हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ईएमसी आईक्यू में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रकृति के मूल बल। तो मूल बल क्या होते हैं आज उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वास्तविक में प्रकृति में चार ऐसे मूल बल है जिससे हम प्रकृति की समस्त घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति के मूल बल कहा जाता है। तो हमारे चार मूल बल निम्नलिखित है: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो इन बलों में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सर न्यूटन के अनुसार कि प्रकृति में प्रत्येक कण एक दूसरे कण को या प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसी आकर्षित बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर हम इसको नियम के आधार पर जाने तो इस नियम के अनुसार जब दो कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। जैसे देखो, ये एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। तो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इस दूरी के वर्ग के वेद का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसके गणितीय विवेचना की बात करें तो गणितीय विवेचना हम देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मतलब m1 m2 के समानुपाती, और इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r2। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अब समानुपाती m1 m2/r2। जब इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक g के नाम से जानते हैं। तो m1 m2/r2 और ये इंटू में यहाँ जी एक समानुपाती गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान 6.67 जी बराबर 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन इंटू मीटर kg² होता है। तो ये थी गुरुत्वाकर्षण की सामान्य जानकारी। तो हम गुरुत्वाकर्षण की और जानकारी करें तो टॉपिक के हिसाब से ध्यान दें तो ये हमेशा दो पिंडों के मध्य लगता है, इसलिए इसे हम सावर्तिंग नियम भी कहते हैं। तो अगर वस्तु दूर होगी तो ये बल का मान उतना ही कम होता जाएगा, और ये प्रकृति में जितने भी ये चार बल है उनसे सबसे काफी कमजोर बल होता है। तो ये था आपके गुरुत्वाकर्षण बल। तो आगे हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल। तो अब हम चुंबकीय बल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बल होता है ये विद्युत आवेश कणों के मध्य लगता है, तो और इसी स्थिर विद्युत बल को हम कूलाम के नियम से जानते हैं। तो इस आवेश आप समझ ही गए होंगे, प्लस माइनस चार्जेस जो होता है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं जैसे अगर समान अगर वो होंगे प्रकृति के आवेश होंगे तो वो प्रतिकर्षण बल को व्यक्त करेंगे। जैसे प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। अगर वह असमान प्रकृति के आवेश होंगे तो वहाँ आकर्षण बल लगता है, जैसे प्लस और माइनस या माइनस और प्लस। तो कूलाम के नियम से इसको हम व्यक्त करते हैं। तो कूलाम की परिभाषा क्या होगी, जैसे हमने अभी गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा, जैसे इसकी परिभाषा है वहाँ दो पिंडों के मध्य लग रहा था, यहाँ आवेशों के मध्य बल लगेगा। तो इस कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम गणितीय विवेचन से पढ़े, जैसे ये Q1 है, ये Q2 दो आवेश है, इनकी बीच की दूरी r है। तो परिभाषा हमें क्या कहती है कि इन दोनों स्थिर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब ऑफ प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती Q1 Q2, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी बात बोलती है उनकी दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ऑफ प्रोपोर्शनल टू 1/r2। सेकंड,
तो समीकरण 1 और 2 से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम ये समानुपाती खोलते हैं तब यहाँ एक नियतांक आता है K, जिसे हम समानुपाती नियतांक कहते हैं, R स्क्वायर। ये तो हो गया आपके कूलम्ब का नियम। तो यहाँ K के नियम की बात करें तो K का मान होता है K बराबर 9 × 10³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, इसका मान होता है। तो अब इसकी और बात करें तो एक तरह से ये जो बल होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल से 10³ गुना अधिक होता है। तो एक तरह से ये केंद्रीय बल होता है जो नजदीकी बलों के साथ लगता है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रबल नाभिकीय बल के बारे में। तो प्रबल नाभिकीय बल से पहले हम एक और इसके अंदर बात कर लेते हैं, विद्युत चुंबकीय बल के अंदर। जब आवेश गतिशील हो तो क्या होगा? जब कोई आवेश गतिशील होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे हम चुंबकीय बल से नाम से जानते हैं। तो ये तो था हमारे विद्युत चुंबकीय बल के बारे में, और उसके आगे आता है प्रबल चुंबकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल में हम बात करें तो आप जानते हैं नाभिक जो परमाणु में उपस्थित होता है, तो नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन जो एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उसके ऊपर, तथा आवेश रहित न्यूट्रॉन उपस्थित होता है जो उस नाभिक के अंदर 10⁻¹⁵ मीटर के क्षेत्र में रहता है, किसी न किसी बल से रहता है। मतलब इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि नाभिक के अंदर कोई ना कोई इतना प्रबल बल कार्य करता है जो न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉनों की जगह और प्रोटोनों को प्रोटोनों की जगह बांधे रखता है। तो इसी बल को हम प्रबल नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में और बात करें तो ये एक तरह से आकर्षण बल होता है और एक केंद्रीय बल होता है। इसकी परास 10⁻¹⁵ मीटर तक की होती है, और 10⁻¹⁵ मीटर तक की होती है। और इसके आगे हम बात करें तो एक लास्ट हमारा आज का बल रह जाता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल आप जानते हो, तो परमाणु भट्टी आपने जानते हो, जब विद्युत संलयन होता है या जब कोई परमाणु टूटता है करता है, जहाँ पे ये बल काम करता है, जब जैसे किसी निश्चित नाभिकीय प्रकाश जैसे अल्फा बीटा हो गया, गामा क्षय हो गया, उनके अंदर जब ये टूटते हैं तो इस बल के कारण नाभिक बीटा क्षय में प्रकट होता है। तो इस बीटा क्षय में नाभिक का एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, और एक जो दूसरा कण होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रॉन कहलाता है। तो ये सामान्यतः दुर्बल नाभिकीय बल ये लघु परास वाले होते हैं, जिनकी परास होती है 10⁻¹⁶ मीटर। ये बल दुर्बल होते हैं, लेकिन जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल है उससे थोड़ा ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन जो दूसरे बल है उनसे अधिक कमजोर होते हैं, और ये सामान्यतः बोसोन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये आज के हमारे 4 मुख्य बल थे। अगर आपको आज ये बल अच्छे लगे, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल EMC IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।